आराम से ही रजमे कर लेते हैं कहीं भी रस्ते भोजन की व्यवस्था भोजन अब श्री जी कहीं ना व्यवस्था करेंगे कहीं ना कहीं खरीद देते हैं जब सारी श्री जी तो आते रहते हैं तो इस बार डंडोती का प्रोग्राम हो गया डंडोती पहली बार, हाँ, बार। कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है कैसी भक्ति दिखती है यहाँ की तो महीने श्री राधे जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय बोल गिरिराज महाराज की जय तो दोस्तों मैं आपको लगातार भक्तों के दर्शन कराता हूँ दिव्य भक्तों के अद्भुत भक्तों के श्री गोवर्धन महाराज के जो असीम अनुकंपा रहती है उन भक्तों के दर्शन कराता हूँ जो यहाँ दंडौती लगाने चले आते हैं जो यहाँ परिक्रमा लगाने चले आते हैं लेकिन दोस्तों ऐसे अद्भुत भक्त शायद आपको पहले कहीं मैंने दिखाए हों कि दंडौती लगा रहे है। चले चले हैं दंडौती मैंने बहुत देखी लेकिन ऐसी कि देख रहे हैं आप पूरा चेहरा पूरा बदन पूरा शरीर इस रज में वह गोवर्धन महाराज के चरणों से जो रज निकलती है उसमें पूरे सने हुए हैं लोट लगा रहे हैं आनंद ले रहे हैं परम आनंद परम आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं तो देख रहे हैं आप इनके चेहरे इनका शरीर देख रहे हैं ठंड का मौसम है लेकिन कोई भी ऐसे वो नहीं और बहुत ही आनंद आ रहे हैं सब ये कह रहे हैं कि महाराज जी की कृपा है तो अब इनसे बातें करेंगे उनसे जानेंगे क्या नाम है क्या ऐसा रहा मनोकामना क्या है या फिर भक्ति है कैसी भक्ति है ऐसी जो यहाँ दौड़े चले आते हैं खींचे चले आते हैं भक्त जय श्री राधे महाराज जी जय श्री राधे से हो महाराज जी विदिशा एम पी एम पी से है? हाँ अच्छा तो कैसा मतलब लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा नाम नाम राजस्थान से हाँ। राजस्थान से मेहदीपुर वाला ही से अच्छा तो आप मतलब कैसे भेट हुई रास्ते में अच्छा आप सिंगल है अच्छा एम एमपी से तो ये क्या ऐसा रहा जो दंडोती लगाने चले आए आप तो कुछ नहीं मेरे को लग रहा है चक भी रहे ब्रजराजी को <laughs> हमारे मित्र हैं इनका एक हुई चलो ब्रज वो परिक्रमा करेंगे गोवर्धन जी की जी तो, तो, तो बुला मह, लिया महिमा कहाँ से जानी तो पहले से बुलाती रहती हैं श्री जी तो आते रहते हैं तो इस बार दंडोती का प्रोग्राम हो गया दंडोती पहली बार दंडोती पहली बार कैसा लग रहा है

श्री जी जाने है और क्या राधे रानी राधे रानी जो स्वयं ब्रह्मा तरसते हैं सुना ऐसे ही है संत लोगों ने ऐसा कहा है जी हाँ ऐसे ही कहते हैं आ, कि ब्रह्मा भी इस रज के लिए तरसते हैं वो भी कहते हैं कि इस रज की मेरे ऊपर भी कुछ वो हो महिमा हो तो ये बताएं कि जब वहाँ से आए एमपी से हाँ तो क्या विचार करके आए थे कि आज गोवर्धन बाबा के पास जा रहे हैं कि क्या मतलब दंडोती लगा पाएंगे हम या नहीं लगा पाएंगे कब तक लगा नहीं वो तो मतलब कोई ऐसा वो नहीं था अपन तो श्री जी का आश्रय लेके आ गए थे बोई लगवाएंगी। यी, यी। बस आ गए थे थे अच्छा, तो पहले से विचार करके आए हाँ, बस पहले से थोड़ा सा तो कोई थकान वगैरह नहीं कुछ नहीं थकान अच्छा है ये चंदन की तरह लपेट रखी है तो आनंद मिलता है आनंद मिलता है अच्छा और वैसे घर में सब सकुशल सब हाँ। सकुशल श्री जी की कृपा है तो कितने बच्चे हैं यहाँ पे बच्चा है हमारी वाइफ और बच्चे भी आए हैं वो पीछे रह गए हैं अभी अच्छा वो भी आए हैं साथ हाँ, में वो भी आए हैं अच्छा तो वो पीछे रह गए हैं जी और सब बढ़िया है श्री तो जी की कृपा तो जब से भगवान से जुड़े हो गोवर्धन महाराज से जुड़े हो इनसे तो क्या परिवर्तन देखने को मिला है पहली बार कब आए थे पहली बार तो ऐसा कुछ याद नहीं है मतलब कब आए वक्त से हाँ लंबे वक्त से आ आए तो क्या परिवर्तन देखने को मिला है ऐसा परिवार तरफ वो तो सब श्री जी की कृपा चल रही है तो सब चल रही है सब चल रही है तो छोटा सा दुकान है जी रेडियम नंबर प्लेट वगैरह जी और हेयर सैलून अच्छा सही हाँ। चल रही है सब बढ़िया कोई परेशानी तो नहीं दो बच्चियां घर पे वो भी बढ़िया है कल आप चले जाओ अच्छा <laughs> सब 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 एक बच्चा है और हमारी वाइफ हम आ गए अच्छा। भैया हमारा मित्र है अच्छा तो आप महीने आपकी शादी हो चुकी है हाँ, तो आप भी ए... मतलब छोड़ छाड़ के आए यहाँ हाँ एक बच्चा है घर पे है हाँ। तो कोई फिक्र नहीं नहीं की फिक्र फोन वगैरह आया नहीं अब वो तो आते रहते हैं बात हो तो जाती है अच्छा कितना वक्त हो गया लगाते लगाते कल लगाया था हमने कल दस बजे चालू की थी परिक्रमा तो आज सुबह सात बजे चालू कर दी हाँ। फिर दिन में आराम करते हैं आराम ऐसे ही रज में कर लेते हैं कहीं भी भोजन की व्यवस्था भोजन अब श्री जी कहीं ना व्यवस्था करेंगे <laughs> अच्छा कहीं ना कहीं खरीदते हैं जब उनने वहाँ से यहाँ बुलाया तो सारी व्यवस्था उनकी है। सही बात अपने साथ कुछ अपने नहीं। साथ कुछ नहीं कुछ नहीं लाए हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं आपको लगातार भक्तों के दर्शन कराता हूँ कैसे अद्भुत भक्त हैं कि कोई बिना किसी फिक्र के आए हैं कोई भी किसी से भी मोहमाया नहीं सब फ़िक्र भगवान के भरोसे सब राधे रानी के सब श्री जी के भरोसे छोड़कर आए हैं और यहाँ आकर भी अपने साथ कुछ नहीं लेकर आए सिर्फ यहीं यूं ही चले आए हैं श्री चरणों में यहाँ के चरणों की रज लेने और इस रज की जो पावन महिमा है इस रज की जो महिमा है जो देवताओं ने भी इसके बखान नहीं कर पाए जो देवताओं के लिए भी असंभव है इसकी महिमा का वर्णन करना वो रज वो प्रभु श्री कृष्ण की रज जो जिस यहाँ पर क्रीड़ाएँ की हैं बाल क्रीड़ाएँ की हैं उस रज का आनंद लेने यहाँ भक्त चले आते हैं मैं ब्रज क्षेत्र में हूँ रज में हूँ आपको दिखा रहा हूँ दिव्य भक्तों के दर्शन करा रहा हूँ ऐसे ही बने रहें और भक्ति का आनंद लेते रहें भक्ति के रंग में रंगे रहें दोस्तों और मेरे कहने पर अवश्य आएँ गोवर्धन और यहाँ आकर देखें कितना आनंद आता है कैसी भक्ति मिलती है और यहाँ की रज जो है सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाली है और गोवर्धन बाबा स्वयं हमारे जो विराजमान हैं वो सबकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं और जय श्री राधे बोल के राज महाराज की जय बोल गोवर्धन महाराज की जय